तो स्वागत है आप सभी का गेम्स प्लेयर ओजी के एक और वीडियो में। आज हम लोग करने वाले हैं काउंटडाउन ऑफ टॉप 12 वीआर गेम्स ऑफ 2020। जी हाँ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, दुनिया आगे बढ़ रही है, तो हमें भी उसके साथ चलना पड़ेगा, यानी कि नए नए टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा। काफी सारे इंटरेस्टिंग थिंग हमें देखने को और करने को मिल रही है टेक्नोलॉजी की वजह से, तो उनमें से एक है वीआर। अब यार बेसिकली वीआर होता क्या है? वीआर एक गैजेट होता है या फिर आप टेक्नोलॉजी बोल सकते हो, जो सिमुलेट करके हमें उस मूवी या उस गेम में होने का एहसास देता है। तो यार सबसे मजे की बात है कि वीआर जो है वो गेमिंग दुनिया में भी बहुत अच्छी तरह से घुस गया है। काफी सारी कंपनियां हैं जो अब वीआर गेम बना रही हैं, और कुछ तो ऐसे गेम्स हैं जो कि वीआर ऑप्टिमाइज यानी कि सिर्फ वीआर के लिए ही रिलीज की जा रही हैं। अब यार मेरा सोचना ये है कि वीआर फ्यूचर है, तो यार इसे ट्राई करना जरूर बनता है। ये अलग ही एक्सपीरियंस देता है आपको। नॉर्मली पीसी पर और कंसोल पे खेलने का बात अलग रहता है, तो यार जो मजा वीआर में उसे आप सिर्फ खेल के फील कर सकते हो। तो यार चालू करते हैं आप टॉप की प्लेलिस्ट जो कि गेम्स रिलीज होने वाले हैं वीआर में, वो भी 2020 में। तो यार नंबर वन पे जो गेम आता है उस गेम का नाम है स्नाइपर एलीट वीआर। जी हाँ, स्नाइपर एलीट, आपने सही सुना, स्नाइपर एलीट भी 2020 में अपना वीआर वर्जन निकाल रहा है। अब यार वीआर जिस तरह से फेमस हो रहा है, हर कंपनियां सोच रही कि अपने गेम को वीआर में भी निकाला जाए। तो यार स्नाइपर एलीट एक एक्शन शूटर गेम है, इसके पब्लिशर है रेविलियन डेवलपमेंट। अब इसको रिलीज किया जाएगा प्लेस्टेशन 4 और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे। अब यार जिसने स्नाइपर एलीट खेला होगा वो तो जानता ही होगा कि स्नाइपर एलीट कितना मजेदार गेम है। स्नाइपर एलीट एक्शन शूटर में वन ऑफ द टॉप रेटेड गेम्स है। अब जो स्नाइपर एलीट खेला होगा वो तो जानता है कि स्नाइपर एलीट में कैसे मैकेनिक्स काम करते हैं, कैसे गोली लगती है किसी भी पार्ट पे, तो कैसे एक्सरे विजन से एकदम स्लो में दिखाता है। तो यार जो स्नाइपर एलीट खेला होगा वो तो जानता है कि इसका मैकेनिक कैसे काम करता है, बेसिकली इसकी गोलियां कैसे लगती है, बॉडी के किसी भी पार्ट पे लगती है तो एकदम स्लो मोशन में दिखाता है, प्लस एक्सरे विजन से दिखाता है। और सबसे मजेदार बात है कि हेड शॉट, टेस्टिकल शॉट, बॉडी शॉट, मतलब अलग ही मजा रहता है स्नाइपर एलीट में। अब सबसे मजेदार बात यह रहेगा कि जब गोली आपको लगती है तो डेवलपर्स कैसे मतलब फील कराते हैं वीआर में, आपको कैसा आपको फील होता है, वो देखना अलग ही मजे की बात रहेगी। अगर मैं होप करता हूँ कि इस गेम पे अच्छे से काम किया गया हो ताकि एकदम मस्त वीआर का एक्सपीरियंस आपको मिल सके। और इस गेम की सबसे मजेदार बात ये रही कि आपको हिटलर को मारने को मिलेगा इस गेम में, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। अब नंबर टू पे जो गेम आता है उस गेम का नाम है मार्वल आयरन मैन। अब यार मार्वल और आयरन मैन को कौन नहीं जानता, अब यार आयरन मैन का फैन कौन नहीं है, अच्छे से बच्चा बड़े से बड़ा आयरन मैन का फैन है। और इस गेम को वीआर में लेके आना यार अलग ही मजा रहेगा। अब यार ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी रहेगा उन लोगों के लिए जो आयरन मैन की तरह बनना चाहते हैं या फिर फील करना चाहते हैं आयरन मैन बनके क्या लगता है, तो यार वीआर में आप वो एक्सपीरियंस ले सकते हो। अब यार ये गेम एक एक्शन शूटर गेम रहेगा, मतलब आपको काफी सारे एक्शन करने मिलेगा, मजा आएगा। और आपको सबसे बड़ी बात है यार कि गेम में आयरन मैन बनने का मौका मिलेगा, प्लस आप फील कर पाओगे वो एक्साइटमेंट, वो थ्रिल वीआर के जरिए। यार आप गेम के अंदर घुस जाओगे एक तरह से, यार तो वीआर का अलग ही मजा है अपना। अब नंबर तीन पे जो गेम आता है उस गेम का नाम है मेडल ऑफ ऑनर अबाउ एस बियॉन्ड। अब यार मेडल ऑफ ऑनर में आप वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे घुस जाओगे, यानी कि यार वर्ल्ड वॉर टू के टाइम के आप एक सिपाही या फिर एक एजेंट वगैरह बन के काम करोगे। सबसे बड़ी बात है कि इस गेम में आपको भागना, चढ़ना, क्लाइंबिंग करना, मतलब हर चीज का एक्सपीरियंस मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि इस गेम में आपको व्हीकल चलाने मिलेंगे, और सबसे मजेदार बात है कि आप उस गेम में सब व्हीकल को एक्सप्लोर कर पाओगे, यानी कि टैंक चला पाओगे, व्हीकल चला पाओगे, प्लस पुराने जमाने के जो गन्स होते हैं मतलब उनका क्लास ही अलग रहता है, वो आपको चलाने मिलेगा, और आप फील कर पाओगे कि वर्ल्ड वॉर टू में होना कैसा लगता है। अब यार इस गेम में आपको कैंपेन मिलेगा, प्लस मल्टीप्लेयर मोड्स भी आप खेल सकते हो, यानी कि आपके दोस्तों के पास वीआर है या फिर किसी वीआर साइबर शॉप पे गए हो जहाँ की मल्टीपल ऑफ वीआर सेटअप्स पड़े हुए हैं, यानी कि उन लोग आधा घंटा एक घंटा चार्ज करते हो प्ले कराने का, तो आप लोग मजा उठा सकते हो वीआर का। या फिर आपके पास और आपके दोस्त के पास दोनों के पास वीआर सेटअप्स है, तो यार इस गेम में आप मजा उठा सकते हो साथ में खेलने का। अब नंबर फोर पे जो गेम आता है उस गेम का नाम है द वॉकिंग डेड सेंस एंड सिनर। अब यार ये गेम एक एक्शन शूटर गेम है, बेसिकली इसे डेवलप किया है स्काई डांस इंटरएक्टिव ने, और इसे पब्लिश भी स्काई डांस इंटरएक्टिव कर रहा है, और इसे रिलीज किया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे। अब यार ये गेम भी आपको काफी हद तक द वॉकिंग डेड का फील देगा, मतलब कि इन टर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग, इन टर्म ऑफ शूटिंग और इन टर्म ऑफ एनवायरनमेंट, हर जगह से आपको लगेगा कि इस गेम को द वॉकिंग डेड को रिमास्टर करके बनाया गया है। अब सबसे बड़ी बात है जो लोग द वॉकिंग डेड को वीआर में खेलना चाहते थे या फिर एक्सपीरियंस करना चाहते थे वीआर में, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका ये गेम खेल के अपना सपना पूरा करने का। अब यार मैंने आपको बताया कि ये गेम काफी हद तक डिसीजन बेस्ड रहने वाला है, प्लस वीआर का एक्सपीरियंस मिल रहा है, यार कॉम्बो खतरनाक है। मतलब अब नंबर फाइव पे जो गेम आता है उस गेम का नाम है हाफ लाइफ एलेक्स। अब यार इस गेम को बनाया गया सोर्स इंजन पे, इसके जो डेवलपर है वो है वेल्व कॉर्पोरेशन। अब इसको रिलीज किया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे। अब यार ये गेम एक एक्शन शूटर एलियन बेस्ड गेम है, बेसिकली इसके अंदर जो आपका कैरेक्टर है उसे एलियन से फाइट करना है, नए नए वेपन्स बनाने हैं, प्लस कुछ रिसर्च करना है या फिर उसे फाइंड आउट करना है कि एलियंस को कैसे हराया जाए, क्योंकि आपका जो कैरेक्टर वही आखिरी उम्मीद है इस दुनिया को बचाने के लिए। तो बेसिकली आपको एक एलियन बेस्ड शूटर गेम मिल रहा है जिसके अंदर आपको
आपको एलियन को हराना है, नए नए टाइप के क्रिएचर्स आएंगे, आपको उससे लड़ना है, आपको हराना है, और सबसे बड़ी बात है आपको वीआर में करना, तो यार उसका एक्सपीरियंस ही अलग होगा। अब नंबर 6 पे जो गेम आता है उस गेम का नाम है आफ्टर द फॉल। अब यार इस गेम के जो डेवलपर पब्लिशर है उनका नाम है वर्टिको गेम्स। इस गेम को कंपनी रिलीज करने का प्लान कर रही है 2020 के मिड या 2020 के लास्ट। यार ये गेम एक वीआर एफपीएस गेम है, मतलब कि वीआर का एक्सपीरियंस और एफपीएस का मजा दोनों ही एक साथ। इस गेम की स्टोरी बेसिकली ये है कि आइसेज आ चुका है, हर जगह पे बर्फ बर्फ पड़ा हुआ है, बर्फ की तूफाने चल रही है, और आप और कुछ लोग जो है वो सर्वाइव कर लेते हैं। तो बेसिकली उनको फाइट करना है आइसेज मॉन्स्टर से, ज़ॉम्बीज से, इन्फेक्टेड ह्यूमन से, और उन्हें जाना है सेफर प्लेस पे जहाँ की वो सर्वाइव कर सके। तो यार ये गेम भी काफी मजेदार लग रहा है, मतलब कि सर्वाइवर हॉरर ज़ॉम्बी गेम का एकदम कॉम्बो तगड़ा, वो वीआर के अंदर अलग ही मजा आएगा आपको। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप मेट्रो एक्सोडस के फैन हो या फिर उस गेम प्ले के दीवाने हो तो आपको पूरा फील मिल जाएगा इस गेम में। मतलब कि कभी आपने सोचा होगा कि अगर मेट्रो एक्सोडस को मैं खेल लूं वीआर के अंदर, तो यार ये मौका है। ये सेम मेट्रो एक्सोडस का कॉपी समझ लीजिए, पूरा गेम प्ले एनवायरमेंट हर तरीके से आपको मेट्रो एक्सोडस की फीलिंग देगा। और सबसे बड़ी बात है कि यार इसमें 4 प्लेयर खेल सकते हैं, मतलब कि कहीं अगर आपको 2 या 3 दोस्तों के पास वीआर सेट पड़ा हुआ है तो आप लोग साथ मिलकर खेल सकते हो। और चाहो तो अगर इस गेम का मजा उठाना तो आप दुकान पे जा सकते हो जहाँ की वो वीआर रेंट करते हैं, यानी कि 2 या 3 वीआर का सेटअप होगा जहाँ पे आप साथ मिलकर खेल पाओगे। अब नंबर 7 पे जो गेम आता है उस गेम का नाम है लोफाई। अब ये सबसे बड़ी बात है कि इस गेम को कोई कंपनी नहीं बना रही है, किकस्टार्टर पे यानी कि फंड रेज करके इस गेम को बनाया जा रहा है, और काफी सारे लोग ने इस गेम को बैक किया और इस गेम का मेकिंग चालू हो गया, यानी कि फंडिंग पूरा हो गया है। तो बेसिकली आप इस गेम को साइबर पंक का वीआर वर्जन बोल सकते हो, मतलब कि वो तो कंपनी बना रही है बहुत बड़ी, पर इस गेम को किकस्टार्टर पे बैक करके बनाया जा रहा है। तो यार इस गेम की स्टोरी भी कुछ साइबर पंक की तरह ही चालू होती है, मतलब फ्यूचर में आप एक कॉप का रोल प्ले करोगे जो कि पेट्रोलिंग कर रहा है हर जगह पे, मतलब कोई बदमाश गुंडों को आप देख के मार सकते हो। बेसिकली आपको रोबोट्स ही मिलेंगे ज्यादातर जो कि गलत काम करते रहते हैं, या फिर साइबॉक मिल जाएंगे आपको। अगर आपको मिशन नहीं करना है, फाइट नहीं करना, तो आप पूरी दुनिया में घूम सकते हो, कसीनो वसीनो में जाके पैसे उड़ा सकते हो, उधर बैठ सकते हो। तो कहने की बात यह है कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक कॉम्बो है, एक फ्यूचरिस्टिक गेम्स प्लस वीआर का कॉन्सेप्ट, यार मतलब आपको फ्यूचर में पहुंचा देगा ये गेम। अब नंबर 8 पे जो गेम आता है उस गेम का नाम है डाउन द रैबिट होल। अब यार ये थोड़ा बहुत आपको एलिस इन वंडरलैंड की तरह लगेगा, पर उसका वीआर वर्जन। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस गेम को कोई भी खेल सकता है, मतलब कि एक सर्वाइवर हॉरर कोई गेम नहीं है जो बच्चे नहीं खेल सकते। ये गेम एक फेरी टेल की तरह है जो छोटे छोटे बच्चों को भी काफी पसंद आएगा इस गेम को खेलते वक्त वीआर में। तो यार इस गेम के अंदर जो आपका कैरेक्टर होता है वो जंगल में जाता रहता है, किसी होल में गिर जाता है, और नीचे जाते ही देखता है कि मिस्टीरियस जगह है, अलग ही दुनिया है, और कुछ चीजें जो है वो बहुत ही अजीब है, मतलब कि वहां के पेड़ पौधे, फूल, मतलब कि ये गेम पूरा एक फेरी लैंड की तरह जिसमें आप हो जाएंगे अगर आपको ऐसे गेम पसंद है। तो सबसे बड़ी बात है कि इस गेम के अंदर जो क्रिएचर्स रहेंगे वो अजीब बिहेव करेंगे, पेड़ पौधे अजीब बिहेव करेंगे, वहां पे कोई सामान आप खा नहीं सकते या पी नहीं सकते, उससे आप बड़े हो सकते हो, छोटे हो सकते हो, मतलब कि बहुत ही मिस्टीरियस जगह है और काफी मजेदार एनवायरनमेंट है, मतलब कि छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, मतलब किसी के लिए भी। यार अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो ये गेम को आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही मजा आएगा। और जहां तक कि मुझे लगता है यार कि ऐसे गेम्स लड़कियों को ज्यादा पसंद आएंगे, मतलब लड़कों को भी पसंद आएंगे पर लड़कियां ज्यादा प्रेफर करती हैं। तो यार मैं बोलूंगा कि अगर आपको वीआर पे कहीं ये गेम मिल जाता है तो आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए, या फिर अपने छोटे भाई बहन को, किसी को भी ट्राई करवाइए, बहुत ही मजेदार गेम है। अब नंबर 9 पे जो गेम आता है उस गेम का नाम है सोलारिस ऑफ वर्ल्ड कॉम्बैट। अब यार इस गेम के जो डेवलपर है वो है फर्स्ट कॉन्टैक्ट एंटरटेनमेंट, इसके पब्लिशर भी फर्स्ट कॉन्टैक्ट एंटरटेनमेंट है, और इस गेम को रिलीज किया जाएगा PlayStation 4, Oculus Quest और Microsoft Windows पे। अब यार ये गेम एक मल्टीप्लेयर एक्शन शूटर गेम है, मतलब कि 4v4 आपको मल्टीप्लेयर खेलने मिलेगा इस गेम के अंदर। आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपको हेलो का मिल जाएगा, आपको ये गेम FPS गेम्स और हेलो का जो मिक्स वर्जन होता है वो देगा। बेसिकली इस गेम के अंदर आपको FPS गेम्स और क्वेक का मतलब मिक्स वर्जन मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है कि आपको एक मल्टीप्लेयर शूटर गेम खेलने को मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है कि आपको VR के अंदर 4v4 करने का मौका मिलेगा, यानी कि ऑनलाइन कॉम्पिटिशन करने का मौका मिलेगा। क्या पता इन फ्यूचर इन गेम का भी कोई कॉम्पिटेटिव सीन निकल जाए, जैसे कि ये मल्टीप्लेयर गेम है, 4v4 गेम है, यानी कि ये गेम पूरा कॉम्पिटेटिव सिनेरियो के लिए फिट बैठता है। तो ये गेम अगर फेमस होता है तो ये गेम कॉम्पिटेटिव सिनेरियो में भी आ सकता है, और यार वीआर के गेम जब कॉम्पिटेटिव सिनेरियो में आएंगे तो उसका अलग ही स्वैग रहेगा। और यार इन शॉर्ट मैं बोलना चाहूंगा कि जिसको मल्टीप्लेयर 4v4 खेलना है या फिर हेलो क्वेक का फ्यूजन देखना है और उसे फील करना है वीआर के अंदर, तो यार ये गेम मैं रेकमेंड करता हूं उसके लिए। अब नंबर 10 पे जो गेम आता है उस गेम का नाम है फैंटम कोवर्ट ऑप्स। जी हां, इस गेम को बनाया है डेवलपर एंड ड्रीम्स ने, और इस गेम को रिलीज किया जाएगा ओकुलस क्वेस्ट पे और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे, और इस गेम के पब्लिशर है एंड ड्रीम्स ओकुलस स्टूडियो। अब यार ये गेम एक स्टेल्थ सर्वाइवर एक्शन शूटर गेम है, यानी कि इस गेम के अंदर आपको अगर लोगों को मारना है तो वो भी स्टेल्थी वे में, अगर किसी को पता चल गया तो आपका गेम खत्म। तो यार इस गेम के अंदर आप एक कवर कॉप्स का रोल प्ले करोगे, जिसके अंदर आपको वेपन दिया जाएगा टारगेट को एलिमिनेट करने के लिए, प्लस आपको नाइट विजन गॉगल दिया जाएगा जिससे आप देख सके। सबसे बड़ी बात है कि आपको बीच बीच में ऑब्स्टेकल पार करना पड़ेगा, जैसे कि चढ़ना पड़ेगा, कहीं नाव से जाना पड़ेगा आपको पानी के अंदर से,
तो झुकना उकना पड़ सकता है आपको इस गेम के अंदर। और सबसे मजेदार बात है इस गेम के अंदर कि आपको सब कुछ करने मिलेगा पर साइलेंट वे में, यानी कि दुश्मन को बिना पता लगाए आपको एलिमिनेट करना है और बॉम्ब फिक्स करना है टारगेट्स पे प्लस वहां से निकलना है। तो यार ये गेम भी काफी मजेदार वीआर गेम लग रहा है। तो यार अगर आपको वीआर में एक्शन शूटर और स्टेल्थ का मजा लेना है तो यार इस गेम को जरूर मैं रिकमेंड करता हूँ। अब नंबर 11 पे जो गेम आता है उस गेम का नाम है स्पायर 1 वीआर ऑपरेटिव। अब इस गेम के जो डेवलपर है उनका नाम है डिजिटल लॉज और इस गेम के डिजाइनर है माइकल वेथवर बेल। इस गेम के पब्लिशर है ट्राइब वॉर इंटरएक्टिव और इस गेम को रिलीज किया जाएगा प्लेस्टेशन 4, ओकुलस क्वेस्ट और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे। अब यार ये गेम भी एक एक्शन शूटर स्टेल्थ गेम ही लग रहा है जिसके अंदर कि आपको छुप के काम करना है, दुश्मनों को आठ आए बिना काम करना है और वन बाय वन करके अपने दुश्मनों को खत्म करना है और अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ना है। अब नंबर 12 पे जो गेम आता है उस गेम का नाम है बोन वर्क्स। अब यार इस गेम को डेवलप किया है स्ट्रेस लेवल जीरो ने। इसको बनाया गया यूनिटी इंजन पे और इसके पब्लिशर है स्ट्रेस लेवल जीरो और इस गेम को रिलीज किया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे। अब यार ये गेम एक एक्शन एडवेंचर फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है। अब यार ये गेम एक सिंगल प्लेयर मोड पे चलता है। बेसिकली आपको इसके अंदर काफी सारे वेपन्स मिलेंगे और काफी सारे यूटेंसिल्स यूज करने भी पड़ सकते हैं जैसे कि एक्स हैमर वगैरह हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि इस गेम के अंदर आपको काफी सारा मिले करने मिलेगा, मतलब कि आपको काफी लड़ाई करना पड़ सकता है हाथों और लातों के साथ दुश्मनों से। तो यार ये काफी थका देने वाला गेम है। सबसे बड़ी बात है कि इस गेम के अंदर आपको पजल्स वगैरह सॉल्व करने मिलेंगे, मतलब कि एक पजल प्लेटफॉर्म का एक्शन शूटर गेम है, मतलब कि काफी मजा आने वाला है, काफी दिमाग लगाना पड़ सकता है। तो यार जिसको एक्शन के साथ थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पसंद है तो यार ये गेम को जरूर वो खेल सकता है। और सबसे बड़ी बात है यार कि वो वीआर में एक्सपीरियंस करने वाले इस गेम को, तो यार उसका अलग ही मजा आएगा उसको। तो यार मिला जुला के जो मेरा लिस्ट है वो यही खत्म होता है। तो यार वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। बाय बाय।